फायर इक्विपमेंट्स अगर आप बेसमेंट में जाएं, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, बट वो किसी पाइप से, पाइपलाइन से, किसी वाटर सिस्टम से अटैच नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं। कि ना तो यहाँ पे प्लम्बर आता है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेंट सुनी जाती है, ना ही कोई सिविल वर्क हुआ जाता है। वीआईपी रोड जीरकपुर से स्थित स्वित्री ग्रीन अपार्टमेंट के वसनीकों ने आज गेट अगे इकट्ठे होकर रोस प्रदर्शन किया। वसनीकों ने दोष लगाया कि प्रोजेक्ट के बिल्डर वालों अपने रुतबे का फायदा लेंदे हुए धक्केशाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के अंदर बिजली दी दरां गौरमेंट वालों निर्धारित किए गए रेटों तो वध लिया जा रही हैं। इस तों इलावा पार्किंग की समस्या संबंधी भी कई सवाल चुके गए। वसनीकों ने दोष लगाते हुए दसिया कि बिल्डर वालों किए गए वादे अनुसार क्लब हाउस बना के देना सी, पर जो क्लब हाउस बनाया गया है उसकी जगह गैरेज बना के उसकी वरतों लिए 1,000 रुपये फीस रखी गई है। इतने दसनयोग है कि इस सरस्वती ग्रीन प्रोजेक्ट विचों रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई है, जिन्हों वालों इस प्रोजेक्ट के बाहर रोस प्रदर्शन किया गया। यह इस प्रोजेक्ट के बिल्डर तो नाराज़ धड़ा दसया जा रहा है। मेरा नाम है जी राजीव कश्यप। कौन सी सोसाइटी में? मैं सवित्री ग्रीन वीआईपी रोड पे रहता हूँ और 2017 से यहाँ मैं रह रहा हूँ। और क्या क्या समस्याएं? समस्या सर हमारी कई हैं, जैसे कि हमें अभी तक पार्किंग अलॉट नहीं की, जिसके लिए हमने ऑलरेडी पैसा पे किया हुआ है। क्लब हाउस इन्होंने आज तक बनाया नहीं है, जिसका हमने ऑलरेडी पैसा पे किया हुआ है। और क्लब हाउस इन्होंने बना दिया और 4 दिन पहले अभी इन्होंने एक लेटर इशू किया है कि वो बैंक्वेट हॉल है और उसके लिए अगर किसी रेजिडेंस को यूज़ करना है तो 21,000 रुपये देना पड़ेगा, जिसके लिए हम रियली इसके अगेंस्ट हैं। फायर इक्विपमेंट्स अगर आप बेसमेंट में जाएं, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, बट वो किसी पाइप से, पाइपलाइन से, किसी वाटर सिस्टम से अटैच नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं। मेंटेनेंस अगर आप इन बिल्डिंग्स के अंदर आप सीढ़ियों में जाके देखें, सीढ़ियाँ टूटी पड़ी हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। और छत पे अगर आप जाके देखें, पिलर इन्होंने बनाए हुए हैं और वो गिरने को हो गए। हमारी प्रॉब्लम सर एक हो तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे इकट्ठे होके इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्डर से, कि आप हमारी प्रॉब्लम्स को सुनो, लेकिन वो हर बार हम लोगों को ऐसी ऐसी गलत एक्सक्यूज़ देते हैं और गलत वो पॉइंट्स देते हैं, जिससे कि हमारी कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होती। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंट्स ने 50,000 रुपीज़ एज हाउस, जो क्लब हाउस है उसके लिए पे किए थे इनिशियली जब उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। आपको सुन के हैरानगी होगी कि 7 साल के बाद एक तो वो क्लब हाउस बना ही नहीं, दूसरी बात जो क्लब हाउस बना उसके बाद आज की सिचुएशन ये है कि इन्होंने उसको एज बैंक्वेट हॉल पोज कर दिया। नाउ बैंक्वेट हॉल का मतलब 21,000 रुपये हमारे अपने ही रेजिडेंट से, जिन्होंने ऑलरेडी पहले पैसे दिए हुए हैं, उनसे लेके उन्हीं को किराए पे देने की बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज, ये आप मानेंगे कि एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि आपको उनकी नीयत और उनकी नीति दोनों पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो चाहते क्या है। इस मामले संबंधी गलबात करते हुए हल्का विधायक एनके शर्मा के भरा यादविंदर शर्मा ने दसिया कि यह जो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वह इस बारी वेलफेयर एसोसीएशन दी चोणों विचों हार गए सन, जिस कारण नाराज़ होकर उन्होंने वालों रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। साढ़े ही इत्थे देखो कुछ रेजिडेंट्स हैगे हैं जो अजे धरना लाई बैठे। एक्चुअली की है कि वह इलैक्शन के कुछ वोटों तो हारे सके, उस करके उन्होंने दोबारा अपनी नवी एसोसीएशन बनाई। उन्हों का मेन काम की है कि काम तो नहीं है भी की हो कि जो पुरानी सगवा उन्होंने खारज कराने पर तुले हुए हैं, होर कोई उन्होंने वो नहीं है। काम तो ऑलरेडी असं बिल्डर तो सारे करवाई रहे। एक उन्होंने दोष लाया कि जो इतने क्लब हाउस ₹1,000 फीस रखती है, वो एक टैक्निकल एरर से जो इन्होंने क्लब हाउस में बैंकट हॉल एक्चुअली दसाया कि फंक्शन हॉल जोड़ा है उन्होंने रेट रखा सी बिल्डर ने 21,000 रुपया, बट असी कल मीटिंग की शर्मा जी तो उन्होंने सानू अनाउ करता कि तुम अपने रेजिडेंट्स न गल कर लो, जो कि भोग लिए सिर्फ 1,100 रुपया और फंक्शन 3,100 रुपया प्लस क्लीनिक चार्जिज, तुम ये उन्होंने सानू ये भरोसा पूरा देता सी, बट असी अपने रेजिडेंट्स न गल करके ही फाइनल करा। अच्छा, एक उन्होंने दोष लगाया कि बिजली का एक्स्ट्रा चार्ज ले जा रहे। कुछ बिजली का एक्स्ट्रा चार्ज जो शर्मा जी बिल्डर न गल हुई सी एज पर पंजाब गवर्नमेंट के नॉर्म्स तो है, बाकी ये डिस्काउंट कर सकते हैं। उधर रिलेटेड इन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो सानू हफ्ते 10 दिन के दसेगी कि की मैक्सीम डिस्काउंट कर सकते। एक कोई ओवरफ्लो सीवरेज ओवरफ्लो का सी, बारिशों से कदम दिक्कत आती है, वह पहला कदम दिक्कत आई नहीं, बारिशों से आई है। इन्होंने पिछले एक बार टैंपरेरी ट्रीटमेंट कराया भी सी, बट हूँ यह पक्के तौर पर असं इन्होंने डिमांड की है भी यदा पक्के तौर पर ट्रीटमेंट हो, कदम स्मैल ना आए। एक कोई पार्किंग की प्रॉब्लम भी है? पार्किंग की यह प्रॉब्लम है कि पर फ्लैट वाइज अलॉटमेंट नहीं हुई भी,
बट हुण इन्हां ने एक लेआउट बना लिया, प्लैन बना लिया। मेरी इन्हां नाल रेगुलर मीटिंग हुई है इस चीज़ पर, ऑलमोस्ट 90% काम उस चीज़ पर डन हो चुके हैं। अच्छा, तो 10% काम रह गया, वो वैसे तो इस महीने की लास्ट डेट पर असी एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा 10th of July मन के चल रहे हैं भी 10 July तक पर फ्लैट पार्किंग मिल जाएगी, जो टावर ऑलरेडी हैंड ओवर है। इस मौके प्रदर्शनकारियों की मदद करन पहुंचे नगर कौंसल जीरकपुर के प्रधान उदयवीर सिंह ढिल्लों ने दसिया कि उन्हां वल्लों इन्हां वसनीकां दीआं मुश्किलां सुनिया गईआं हन अते जल्द ही इस संबंधी कमेटी बिठा के इनकुआरी की जाएगी अते दोषियों खिलाफ बनदी कार्रवाई की जाएगी। जीरकपुर तो मेजर अली की रिपोर्ट।